वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज द एन एफ क्रिएटिव। सो आज न्यू वीडियो के साथ आपका बंधु दोस्त आ चुका है। सो इस वीडियो में सिंपली नॉर्मली आज मैं रिटचिंग स्किन को हम लोग कैसे यूज करें और रिटचिंग स्किन कैसे डेवलप करें और अट्रैक्टिव कैसे दिखाए स्किन का बारे में और ब्यूटी इसका बारे में और मैं बताने वाला हूँ। और फोटोग्राफर को बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि मोस्टली फोटोग्राफर ही यूज करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो टूल्स का बारे में मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ आपको। थंबनेल में देख ही लिया होगा आप लोगों ने, इसमें एक टेक्सचर रहेगा सिंपली ये हम लोग का फिल्टर में रहेगा और एक मिक्सर टूल रहेगा जो कि ब्रश में रहता है। तो देखते हैं वीडियो में कौन सा आपको पसंद आता है। अगर कौन सा टूल आपको पसंद आया कमेंट करके बता देना नीचे कमेंट पे, अभी नहीं बाद में, ठीक है। लेट्स गेट टू स्टार्ट वीडियो। तो जैसे कि मैंने बता दिया टॉपिक क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लेके रखा है। एक बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला पिक्चर नहीं है क्योंकि हम लोग के पास इतना हाई क्वालिफाई वाला पिक्चर नहीं रहता। मैंने पिक से ही डाउनलोड किया है तो इसमें थोड़ा सा कुछ मैं हाई क्वालिटी वाला पिक्चर नहीं लेने वाला क्योंकि हम लोग का कैमरा उतना हाई फाई नहीं रहता है, रेयर कैमरा नहीं रहता है, तो इसके लिए नॉर्मल पिक्चर यूज कर रहा हूँ। तो आपको अगर चाहिए तो पिक्चर मैं लिंक दे देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका एक कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल जे करके। तो फर्स्ट ले लेते हैं, इसका नेम क्रिएट कर देता हूँ, मैं मॉडल लिख देता हूँ इसमें। मॉडल लिखने के बाद और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसमें थोड़ा मैं इसको एक और बात बता दूं आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो थंबनेल साइज यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा मीडियम करने वाला हूँ क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा फोकस चाहिए। तो आप लोग को दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पे मॉडल को रखना होगा। तो इसके लिए फर्स्ट मैं यहाँ पे मिक्सर टूल का बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट मिक्सर टूल बताऊंगा, उसके बाद आपको टेक्सचर के बारे में बताऊंगा। सो आपको कमेंट भी करना है कौन सा टूल पसंद आया बोल के। तो यहाँ पे देख सकते पहले मिक्सर टूल कहाँ पे रहता है, यहाँ पे देख सकते ब्रश में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मिक्सर टूल। तो मिक्सर टूल यही है और यहाँ पे कुछ एक सेटिंग्स बता देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा कलर मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हो आपका मिक्सर कितना परसेंट आपको मिक्स करना है वो दिखाई देगा। फ्लो और मिक्सर और फ्लो ही हम लोग को यूज करना है और कुछ किसी जगह पे कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को इस सेटिंग को छेड़खानी नहीं करना है, आपको छेड़खानी करना है तो मिक्सर को कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्सर को हम लोग जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे 3% रख रहा हूँ और फ्लो को मैं यहाँ पे ये भी 10% रखने वाला हूँ। और क्या करना है हम लोग को नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे सैंपल यूज करना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे सैंपल यूज कर रहा हूँ, देख लीजिए अभी दाग था पहले नहीं है अभी। तो इसमें भी क्या करना है हम लोग को थोड़ा सा इसमें भी मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद ये ब्लैक पूरा हटने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक हट गया है। तो ऐसा ही करके हम लोग को यहाँ पे सैंपल लेना है, सिंपली सैंपल लेते हुए स्किन को क्या कर देता है मिक्स कर देता है कलर के साथ, आपको मिक्स कर देता है। अगर आपको कलर चूज करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे डबल कर क्लिक कर दीजिए और एवरेज में जाइए और एवरेज में जा सकते हैं, यहाँ एवरेज 3x3 ले लीजिए। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से सैंपल यूज करना है, कहाँ से कलर लेना है और वहीं पे आपको ये कलर मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे क्या आएगा, स्मूथनेस आएगा और रिटचिंग फील आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिटचिंग फील आ रहा है। तो इसको स्लोली आप लोग को करना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ पे आपको यहीं से कलर सैंपल लेके करना पड़ेगा। अगर आपको जस्ट लाइक मान लीजिए आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कलर सैंपलिंग लेना पड़ेगा। आई प्रेस करते हुए भी कलर सैंपलिंग ले सकते हो, मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है उसमें और स्किन टच का बारे में भी डाला है। और यहाँ पे देख सकते हो स्मूथली करना है आपको, टाइम लेके करना है थोड़ा सा वरना फट जाएगा और लेयर्स फट जाएगा, स्किन थोड़ा भद्दा दिख जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा टेक्सचराइज हो रहा है बट इसमें से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मिक्सिंग को हम लोग 1% समथिंग ऐसे ही कर देंगे। देन उसके बाद आपको फ्लो क्या करना है, फ्लो भी मिक्स ही रहता है तो इसको 2% कर देता हूँ। और इसके बाद हम लोग यहीं पे जाएंगे और स्किन को थोड़ा सा और स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए मैंने आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि कौन सा टूल आपको पसंद आएगा। अगर कौन सा टूल पसंद आता है आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो मॉडलिंग और ये ज्वेलरी स्टोर में बहुत सारा स्किन टोन इफेक्टिव फोटोज या फिर बैनर डाला रहता है तो इसी के सहायता से डालते हैं वहां पे। टाइम लगता है इस मिक्सर ब्रश टूल में लेकिन बहुत क्वालिटी आता है बाद में। सकते मैं यहाँ पे आपको लोग आपको दिखा रहा हूँ, फिर से आपको सैंपल लेना है यहाँ पे।
थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे फिर से कोई सैंपल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सैंपल ले लिया है। सिंपली आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करना है, आप टाइम लेके आप खुद कर सकते हैं कितना टाइम आप लोग को क्या करना पड़ेगा बोल के। आप घर बैठे बैठे भी अभी लॉकडाउन है तो इसमें भी आप सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिटचिंग कर दिया है। रिटचिंग में क्या होता है, हाईलाइटेड होता है, लेकिन मैं प्रॉपरली नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपरली करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो में उतना सारा भी आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फिर से इसको ऑन करके, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर देख लीजिए बिफर कैसे, बिफर पहले कैसा था कि यहाँ पे स्किन पे दाग था और हाईलाइटेड नहीं था, देख सकते पहले और अभी कुछ हुआ है, बट इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट मैं फिर से एक और कॉपी लेने वाला हूँ इसी का, कंट्रोल जे प्रेस करते हुए हाइड कर देता हूँ और मॉडल को मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ पे, लॉक कर इस लेयर को, बैकग्राउंड लेयर को ऊपर रख देता हूँ। नेम क्रिएट करना है तो आप कर लीजिए, मेरे को नहीं करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। फिर अभी नेक्स्ट, अभी मैं टेक्सचर के बारे में बताने वाला हूँ। टेक्सचर फिल्टर में रहता है, तो फिल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मैं जूम कर रहा हूँ फोटो को, थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, आप लोग को दिखना चाहिए डिटेल्स में। वीडियो देख रहे हो तो ध्यान दे के देखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा तब कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सचर दिख रहा है, आपको टेक्सचर माइनस में लेके जाना है। टेक्सचर माइनस में लेके जाने के बाद आपको स्मूथनेस दिखाई देगा, देख सकते हो कितना तक आपको जाना है, इसमें नहीं जाना है, थोड़ा सा और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद और देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सचर डाउन हो गया है। टेक्सचर के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइटेड करना है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो और स्मूथनेस आएगा। और यहाँ पे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, एक्सप्लोर ना ही रखे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट है, तो व्हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जो कि बहुत दिखने में अट्रैक्टिव दिखेगा और स्मूथनेस भी आएगा। देख सकते हो आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, टेक्सचर में ही जाके भी आप कर सकते हो, तो टेक्सचर का यही है काम। और आप लोग को कौन सा टूल पसंद आया मेरे को कमेंट करके बता देना। देख सकते हो पहले भी, अभी मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो पहले हाइलाइटेड था, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट चला गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें अपने तरीके से पेन टूल यूज करके इसको लेयर को कटअप करने के बाद, फेस को कटअप करने के बाद उसमें भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ बिफोर और आफ्टर। So, देख सकते हैं जो फर्स्ट हम लोग के पास पिक्चर था, देख सकते हैं यहाँ पे पहले पिक्चर था जो कि हम लोग के पास था, वो देख सकते हो कैसा है पहले और आफ्टर देख लीजिए हम लोगों ने टेक्सचर यूज करने के बाद, देख सकते हैं यहाँ पे कैसा हो गया। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।